दोस्तों कोरोना वायरस के दौर में हाथ और चीज़ों को वस्तुओं को तो सभी सैनिटाइज कर लेते हैं, लेकिन फुट वेयर को बगैर हाथ लगाए तो बड़ा मुश्किल है उसको सैनिटाइज करना। तो उसके लिए एक मैंने डिवाइस सोची है, तो आइए स्टार्ट करते हैं डिवाइस बनाना। दोस्तों ये मैंने एक प्लास्टिक की ट्रे ले रखी है। ये है 6x12 इंच। ये अगर आपके घर में कोई पड़ी है प्लास्टिक की तो वो भी चलेगी, ठीक है। कम से कम भी 2 इंची गहरी या 1.5 इंची गहरी होनी चाहिए। ये दूसरी जो चीज़ है ये मैंने ले ली है, जो पेंट के लिए जो दीवारों पे जो पेंट करते हैं तो वो ये रोलर होता है, ये देखिए ये ऐसे वाला, तो ये मैंने ले लिए हैं। ये साइज़ है इसका 6 से 7 इंची की लंबाई का है ये, तो जो मार्केट में बड़े आसानी से मिल जाता है। तो ये मेरे पास में तो पुराने पड़े हुए हैं, तो इसमें आपको कम से कम भी 3 या 4 रोलर की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले जो ये रोलर है इसमें से ये जो घूमने वाला पार्ट है ये आप इसको ऐसे खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, ये ऐसे आ गया। तो ऐसे आपने 3 या 4 रोलर लेने हैं। तो उसके बाद में आपको ये देखिए जो इधर जो साइज़ है ये इसमें 6 या ये समझ लो कि 2 सूत की इसमें आपको एक रॉड चाहिए होगी लोहे की, जो कि जो पंखे वगैरह के स्पेयर पार्ट मिलते हैं वहाँ से ये आपको बहुत बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। या फिर अगर आपके में थोड़ी सी गुंजाइश है तो इसको भी सीधा कर सकते हो, तो ये भी लग जाएगी इसमें। तो इधर तो इसका साइज़ 6 mm है लेकिन इधर से कुछ ज़्यादा है, ये देखिए ये इधर से कुछ साइज़ ज़्यादा है, तो इसको हमने कम करना है। इसमें कोई भी एक प्लास्टिक का पीस बीच में आपने फिक्स करना है, एरेलाइट वगैरह से फिक्स कर दीजिए और उसमें 6 mm का या 6.5 mm का ड्रिल मार दीजिए। तो ये देखिए ये एक वाशर है जो कि इस सैनिटरी की दुकान पर आराम से मिल जाती है, जो कि टैप के अंदर लगती है टैप का लीकेज बंद करने के लिए। तो ये आप इसको आप थोड़ा थोड़ा एमरी पेपर, ये देखो ये मेरे पास एमरी पेपर है, इसको धीरे धीरे हाथ से रगड़ेंगे तो इसका साइज़ कम होता जाएगा। जैसे इसके साइज़ को इसमें फिट करके देख लीजिए, जब इसका साइज़ आ जाएगा तो आप ये वाले होल में इसको बड़े आराम से ये आप लगा सकते। ये देखिए ये मैंने लगाया है इसको यहाँ पे, तो अब इसको मैं थोड़ा सा एरेलाइट लगा के इसको फिक्स कर दूँगा। तो ऐसे ही 3 या 4 रोलर हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए ये जो पीस था इसको मैंने यहाँ से सीधा करके ये मैंने इसको ऐसे बना दिया, ये देखिए ये सीधा कर लिया ऐसे कोई। और इसमें अब ये रोलर बड़े आराम से ये देखो ये मैंने डाल दिया, ये देखिए ये बहुत ही बढ़िया घूम रहा है ये देखो इसके ऊपर। तो यहाँ से हम इसको कटिंग कर लेंगे, जितना हमारा ट्रे की विड्थ है उतना ही हम इसको कटिंग कर लेंगे। वो हम नेक्स्ट काम करेंगे इसमें, ये मैंने रोलर ऑलमोस्ट बना लिए हैं, अभी इसमें एडहेसिव वगैरह लगाना है, वाशर जो ब्रश डालना है। तो ये जो ट्रे है इसको अगर साइड में ये देखिए, ये मैंने एक 25 mm के ऊपर, मतलब ये दोनों यहाँ से और ये इसका हाफ है, तो 25 mm पे मैंने एक लाइन लगा दी है। और इसके बाद में हम इसमें 3 होल करेंगे। अब हम इसको बराबर डिस्टेंस पे यहाँ पे, मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक, तो हमने 3 जगह इसको डिवाइड कर देना है और इसमें होल लगाना है जिसमें कि ये हमारे रोलर की शाफ्ट जाएगी। तो दोस्तों ये होल हो गए हैं इसमें, और अभी हम आपको बताते हैं कि इसमें एक आपको वाशर फिक्स करनी है। ये देखिए ये वाशर है जो कि सैनिटरी की दुकान पे बड़े आराम से मिल जाएगी आपको, ये टैप लीकेज के लिए यूज़ होती है। तो इसको ये तीनों को जहाँ एरेलाइट से फिक्स कर देना है सेंटर में इसके, ये देखिए ये जैसे ये वाली मैंने करी है ना, ये 3 मैंने आपको दिखा दी है, ऐसा ही फिक्स होगी। और उसके बाद में आपने ये M-seal लेनी है और M-seal को मिक्स करके तो ये इसके जो वाशर के चारों तरफ में लगा देना है इसको ही रिजिट करने के लिए, ताकि प्रेशर पड़े तो ये निकले नहीं। तो उसके बाद में ये रोलर को फिट करना है आपने, और ये देखिए ये घूम रहा है बड़े आराम से, बहुत बढ़िया, ये देखिए। तो आपको ऐसे ही करना है और बाकी रोलर फिट करने, ये जो लाइन है यहाँ से आपको कट करना है, इसको कट करके और ऊपर को कट करके ये पीस निकालना है ताकि शूज़ वगैरह आपका बड़े आराम से आगे पीछे हो जाए। ये देखिए ये मैंने निकाल दिया, और ये इधर से भी निकाला दूसरी तरफ से भी। तो अब ये देखिए मैं आपको चला के दिखाता हूँ, तो ये बड़े आराम से ये, हाँ ये देखो ये चलेगा और शूज़ भी आगे पीछे बहुत आराम से हो जाएगा इसमें।
तो दोस्तों ये मैंने डिवाइस तैयार कर ली है, तो अब हम इसका ट्रायल करने वाले हैं। तो उसके लिए मेरे को सैनिटाइजर चाहिए होगा, तो सैनिटाइजर मेरे पास नहीं है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसको डालकर फिर हम इसका ट्रायल कर। सोडियम हाइड्रोक्लोराइड है मेरे पास में, तो ये 10% डालना है। ये पानी मेरे पास में है, तो उसमें ये मैंने सैनिटाइजर डाल दिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे इसको। ये देखिए बिल्कुल 1 लीटर में ही, ये पूरा 1 लीटर में भर गया है और इसका बहुत कम खर्चा आएगा। जहाँ ज़्यादा इसमें 3 या 4 रुपये का सिर्फ सैनिटाइजर लगेगा, और बहुत ये और दो आपका जो 2 या 3 दिन चलेगा, तो इसका 2-3 दिन के बाद में चेंज कर दीजिए इसका पानी को, तो दूसरा सैनिटाइजर नया डाल दीजिए 2 या 3 दिन के बाद। ये देखिए ये इसका बेस है बिल्कुल साफ़ है इस टाइम पे, और ये देखिए ये भी साफ़ है। ये देखिए अब मैं इसके ऊपर इसको रोल कर रहा हूँ, ये मेरे को भी इसको, और ये देखिए ये नीचे से, ये देखो पूरा डिज़ाइन तक ये पूरा सैनिटाइजर घुस गया और पूरा जो सैनिटाइजर पोर कर रहा है। और ये दूसरे वाले को भी करते हैं, 1, 2, 3, 4 बार बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल सही है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया, और ये इसके ऊपर साफ़ किया और ये एंड। हाँ तो फ्रेंड्स आपने देखी कैसी डिवाइस है, कैसा लगा वीडियो। अगर आपको ये डिवाइस अच्छी लगती है तो आप भी अपने घर पे बनाइए, और जो वीडियो है बाकी लोगों को भी अपने फ्रेंड्स को सभी को शेयर कीजिए। थैंक यू।